नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, देश में यूसीसी और जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक हमेशा से गरमाई रहती है। ऐसी ही एक मांग एलजेपीआर के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कर दी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने केंद्र सरकार यानी कि मोदी पीएमओ मोदी से एक बड़ी मांग कही है। देखिए, हनुमान कहे जाते हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान ने भी आज मोदी सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है यूसीसी और जातीय जनगणना को लेकर। आपको बता दें कि उन्होंने अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से जाहिर किया है और साफ तौर से बताया है कि किस तरीके से वो जातीय जनगणना और यूसीसी को लेकर एक पहल चाहते। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि यूसीसी और जातीय जनगणना के ऊपर कुछ लगाया जाए, कुछ किया जाए। जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये ज़रूरी है, इसे होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। जैसे कि पिछली बार जातीय जनगणना कराई गई थी तो इसे सार्वजनिक तौर पर सबके सामने कर दिया था, जो कि कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज देता है, लोगों के जाति को साफ तौर पे स्पष्ट करके बताता है, इसकी वजह से मतभेद होते हैं। हम आपको बताते हैं क्या कुछ कहे हैं चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान ने जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि जाति आधारित गणना अगली जनगणना का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटन के लिए अक्सर विशिष्ट आंकड़ों की जरूरत होती है। साथ ही अदालतें भी कई बार विभिन्न जातियों की जनसंख्या की आंकड़े मांगती है। हालांकि जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार के पास ही रखे जाने चाहिए और सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा पिछले साल कराए गए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक किए गए। अब राज्य में लोगों को कुल जनसंख्या में उनकी जातियों के प्रतिशत के आधार देखा जा रहा है, इससे समाज में बंटवारा होता है, इसलिए वह जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने में पक्ष में नहीं है। तो देखिए किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ तौर पे अपने पक्ष को तो दिखाया कि जातीय जनगणना वो चाहते हैं कि हो, लेकिन उन्होंने एक बात और स्पष्ट रूप से कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसका खुलासा नहीं करना चाहिए, उसके आंकड़े सरकार को खुद अपने पास रखनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उससे समाज में बंटवारा होता है। साफ तौर पर यह जाहिर भी है, जिस तरीके से पिछली बार जातीय जनगणना कराई गई थी और जो आंकड़े थे, जाति के आंकड़े थे, उसे सरकार जो थी सार्वजनिक तौर पर सबके सामने बताई भी थी, एक खुलासा भी की थी, लेकिन इसकी वजह से समाज में एक बंटवारा देखने को मिला और उसी के अनुसार कहीं ना कहीं हर, चाहे वो प्रोफेशन हो या फिर जॉब की बात हो, उसी के आंकड़े के अनुसार बहाली भी निकाली जाती है। इस बात का चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे पक्षपात किया है और कहा है कि निष्पक्ष होकर जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।